नगर परिषद में विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश सरकार ने हिमुंडा कॉलोनी को मेडिकल कॉलेज को देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए 31 मार्च तक 10% की छूट प्रदान की जाएगी, ताकि सभी लोग जल्द से जल्द हाउस टैक्स जमा करवा सकें। यही नहीं, डोर टू डोर कैंपेन को सफल बनाने के लिए भी लोगों से सहयोग की अपील की गई है। नगर परिषद की बैठक अध्यक्ष सुलोचना देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी 11 वार्डों में विकास कार्यों के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वार्डों में टूटे रास्ते व नालियों की जल्द ही सूरत बदली जाएगी, ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न झेलनी पड़े। नगर परिषद द्वारा वर्षों पहले हिमुंडा द्वारा तैयार किए गए फ्लैट को प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज को देने की मंजूरी प्रदान कर दी है। नगर परिषद ने 72 फ्लैटों को करीब 3.25 करोड़ रुपए में गरीब परिवारों के रहने के लिए बनाया था, जिन्हें आज तक गरीब परिवारों को आवंटित नहीं किया गया था। ऐसे में संबंधित फ्लैटों को अब मेडिकल कॉलेज के सुपुर्द किया जाएगा। इसके अलावा हाउस टैक्स में 10% की छूट प्रदान की गई है। जो लोग अभी तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवा पाए हैं, वे 31 मार्च तक 10% छूट का लाभ उठा सकते हैं। बैठक में 2 लोगों की वृद्धा पेंशन के प्रस्ताव भी पास किए गए। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की गई, ताकि स्वच्छता अभियान को सफल बनाया जा सके। नगर परिषद की गाड़ियां सुबह, दोपहर व शाम के समय दुकानों से सूखा व गीला कचरा ले रही हैं। निगमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। नगर परिषद उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने बताया कि 31 मार्च तक हाउस टैक्स जमा करवाने वालों को 10% की छूट दी जाएगी। साथ में बैठक में स्वच्छता को लेकर भी चर्चा की गई, ताकि शहर को और सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके। नगर परिषद ने गृह कर का जो सर्वे पूरा कर लिया है, और उसमें कहा गया है कि 31 मार्च तक जो गृह कर अदा करेंगे उन लोगों को 10% की छूट जो है वो दी जाएगी। एक हमने लैंडलेस हॉल के लिए 72 फ्लैट जो हथली खट के साथ बनाए थे, वो हमने हॉस्पिटल को दे दिए हैं, और उसकी पेमेंट जो है वो जितनी इसकी लागत हिमुडा हमें देगा वो लागत हमें वहाँ से मिलेगी, जिसका लगभग 3.5 और 4 करोड़ रुपए के तरफ पैसे बनेंगे, ये रुपया हमें मिलेगा। और फिर अगर हमें ज़मीन का प्रावधान हुआ नगर परिषद में, तो ये फ्लैट जो है वो हम फिर दोबारा बनाएंगे। 2 लोगों की पेंशन की जो है वो सरकार को भेजेंगे यहाँ पास करके, और 2 एम्प्लॉइज की प्रमोशन के लिए विश्वास की गई कि पीन से क्लर्क और बेड़दार से पीन, ऐसी शिफारस भी हाउस में रखी गई कि इनको कर दिया जाए। और बाकी स्वच्छता अभियान के बारे में चर्चा हुई है, कुछ पार्षदों का कहना है कि लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की बात कही गई है। काम के टेंडर जो हैं वो सभी वार्डों के कामों के लगा दिए हैं, बहुत जल्दी ये टेंडर खुलेंगे और कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। कूड़ा उठाने की नगर परिषद की नई नई व्यवस्था है। नगर परिषद कर्मचारियों की पूरी मंशा है कि कूड़ा डोर टू डोर उठे और ठीक दिखे, इसका समाधान हो सके। नई नई चीज़ है, इसलिए थोड़ी इसमें कोई दिक्कत आ रही है, पर लगता है कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी और कूड़ा डोर टू डोर उठ जाएगा, और शहर जो है वो हम स्वच्छ बनाने में नगर परिषद कामयाब रहेगी। जो 3 गाड़ियाँ थी, काफ़ी अरसे से काफ़ी किलोमीटर उन्होंने रन कर लिया था, उनको कन्नम जो है वो घोषित कर दिया गया है। नई गाड़ियाँ लेने के लिए व्यवस्था जो चालू की गई है, नई गाड़ियाँ आएगी तो स्वच्छता अभियान में और भी हमें अनुदान मिलेगी।